नेक्स्ट चीज़ हमारी है मिक्सचर। तो ये है छोले भटूरे, दो भटूरे हैं, ये सब्जी है और ये वाली तनी, ये खीरा वगैरह साल, ये नींबू निचोड़ अंकल है खट्टा खट्टा, ओहो यम्मी। इस मोमोज की टेस्टिंग, ओ माय गॉड। हेलो गाइस, इट्स मी सोनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेम कपड़े डिफरेंट वीडियो, पर मेरे कपड़े थोड़े बोरिंग है आई नो। जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैं करने वाली हूँ आज प्राइम एवरी अंडर 50 रुपीज़ चैलेंज। तो मेरे को जितने भी फूड्स यहाँ पे मिलेंगे मार्केट में 50 रुपीज़ के अंडर वो मैं खाऊंगी, सारे ट्राई करूंगी और आप लोगों को भी देख के ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहली चीज़ है 50 रुपीज़ फूड चैलेंज के अंदर अगर हम छोले भटूरे ना लें तो एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ये है छोले भटूरे, दो भटूरे हैं, ये सब्जी है और ये वाली तनी, ये खीरा वगैरह सैलड है और ये वाली ग्रीन चटनी। ये कितने का है इसका प्राइस? इसका प्राइस है 35 रुपीज़। तो 35 की हम एक प्लेट है, हम लोगों ने दो प्लेट्स ली है। तो आइए मैं टेस्टिंग करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे भटूरे टेस्ट करते हुए। चलो मैडम टेस्ट करो, आप साइड हटिए। पनीर का है सर? पनीर कौन सा है? आटे में। हाँ, गरम 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 छोले भटूरे, छोले भटूरे। ये है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के छोले भटूरे, छोले भटूरे। ये तो पूरी मार्केटिंग कर रही है। ये इसमें क्या क्या देख सकते हैं आप? ग्रीन चटनी है, छोले भटूरे हैं, दो छोले भी हैं और सैलेड है, वट एवर जो भी है, बट हमें खाने से मतलब है, हमें टेस्ट से मतलब है। टेस्ट अगर अच्छा हो तो अगली बार भी जरूर आएंगे। What a taste? Can you tell me what a taste? Okay, bye-bye. भाई आप लोग भी रिव्यू दे दो थोड़ा सा। 50 रुपए के अंडर हमें मिले हैं छोले भटूरे। इतने पैदल चलने के बाद आखिर खाने को मिला, सच बात है। रेट दिखाई, रेट दिखाई, कहाँ है 20 रुपीज़ लिखा? ये रहा, ये तो चलिए इसे पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। बताइएगा टेस्ट कैसा है? हमें तो पता है, फिर भी बताइएगा। हो गया बहुत अच्छा, रिफ्रेशिंग, मज़ा आ गया पी के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फूड। तो नेक्स्ट है हमारे पास चलिए बच्चों और मोमो, पनीर मोमो। अगर मोमोज को भी हम नहीं लेते हैं तो फिर ये भी एक नाइंसाफ़ी हो जाती। तो जो मोमोज हैं वो है पनीर मोमोज विद दिस मेयोनीज, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड लग रही है मुझे। और ये है रेड वाली चटनी, मिर्ची वाली चटनी। हाँ, मिर्ची वाली चटनी। और ये जो है हमारे किस किस स्कूटी है, पता नहीं किसके, हमने स्टैंड की तरह यूज़ करा है। ये है 50 रुपीज़ के अंदर, ये 50 रुपीज़ के अंदर ये पूरे 15 के ही है। इसमें हमें 12 पीसेस मिले स्टीम मोमोज के। तो चलिए आइए आ जाओ बस, चलो टेस्ट करते हुए इस मोमोज की टेस्टिंग। ओ एम जी, बड़े गर्म है ये तो। वार मोमोज खाने का, वी विल डिप दिस इन द मेयोनीज देन वी विल ईट दिस। बैठो, अच्छे हैं मोमोज, ख़त्म हो चुके हैं मोमोज। अच्छे आप लोग समझ सकते हैं कि कितने अच्छे थे, कैसे थे। तो अब खाई रही हैं मैं, एक पीस खाने जा रही हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए मैंने उठाया ये पीस, उठाया मैंने, पहले रेड चटनी में लगाया, फिर म्यूनिस में लगाया और अब खाते हुए टिश्यू पेपर मेरे मोमोज में लग गया। क्वाइट डिसेंट से थे, चटनी भी खा सकते हैं एक बार ट्राई करके। चटनी में देखिए, ये चटनी चटनी ट्राई, हे भगवान, मारा हो चुका है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट फूड की ओर अपने। तो चलिए चलते हैं। गाइस हमें मिल चुकी है वो है गोलगप्पे। ये है 30 रुपीज़ के, 6 पीसेस है ना, 6 पीसेस 30 रुपीज़ के हैं। तो ये भी हमारा 50 रुपीज़ के अंडर ही चैलेंज है। चलिए मैं खा के बताती हूँ आपको, ये देखो अरे तो फैन। जाएगा ये दो पीस आराम से, कोई टेंशन नहीं। पानी पीने किसी को? हाँ टिश्यू है भैया, मज़ा आ गया। ये वाला भी बहुत अच्छा था। मैं भी घर पहुँचूंगी, भी पहुँची नहीं हूँ मैं, पहुँचूंगी 20-25। नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हुए कैसे थी भैया? 40 की 100 ग्राम। 40 के अंदर, चलो बजट में आ गया। 40 की कर दो, 40 की कर दो आप 100 ग्राम। एक ही एक कितने में आएगा? 40 एक ही में आएगा ना? हाँ एक ही में दे दो, एक ही में आएगा। इतना कम 40 में, इतना कम 100 ग्राम
रबड़ी मलाई, रबड़ी मलाई। ये अंकल एड्रेस बता रहे हैं, बताइए। यहाँ पर पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है और अंकल को भी देख सकते हैं, पहचान लीजिएगा जब भी यहाँ पर आए और टेस्ट जरूर करिए। ये 40 रुपीज की 100 ग्राम हमें दिए, तो बजट में ही हमारे चैलेंज में, तो मैं टेस्ट करके बता दी। फर्स्ट बार खाइए? कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। आप जब भी यहाँ पे आते हो तो अंकल रबड़ी मलाई जरूर ट्राई करो। और तुम आप दोनों मैच भी हो रहे हो। Oh my God! Wow! तो भी ट्राई करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी। चल, बड़ी टेस्टी है, अमेजिंग, बहुत अच्छी है। भाई कूल हो रहा है एकदम, ठंडा ठंडा। हमने कटोरा भी चाट दिया, देख सकते हैं आप। कटोरा खा लिया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी है। नेक्स्ट चीज हमारी है मिक्सचर, दे दो भैया 10 रुपए का, ठीक है? हाँ, 10 का मिल जाएगा, 50 रुपीज के अंडर, 10 रुपए में। जो 10 रुपए हमारे इसके बचे थे रबड़ी मलाई के, वही हम यूज कर रहे हैं। ये नींबू निचोड़ अंकल है, खट्टा खट्टा, ओहो यम्मी, मजा आने वाला है। अरे चलो आ जाओ ट्राई करते हैं, चलो भाई आगे जाके ट्राई करते हैं। ये आरोही हमारी बैठी हुई, वो बोल रही बेचारी थक गए पैर दर्द हो गए गीता के वजह से। आई नो दैट, हाँ अब टेस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। भाई कैसा लग रहा है? चटपटी, मजेदार, 10 रुपए में भाई सारे भर के दिया अंकल ने, देख सकते हैं आप। जैसा कि भाई और क्या चाहिए, अबे दिल्ली हाट की है सबसे बड़ी बात। 10 रुपए की भर के दिया, और अगर आप यहाँ तो भी आप ले लो, इन दुकानों के नाम वाम जो मैं मेंशन करूँ तो ये आगे जरूर लीजिएगा। मेट्रो के पास ही पड़ता है दिल्ली हाट के, चिंता मत कीजिए। मिक्सर भी कह सकते हैं, 10 रुपीज, जस्ट 10 रुपीज। ये भी हमने खा, जो हम लोग खा चुके हैं, काफ़ी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, कुछ मेरे को खास दिख नहीं रहा है, तो देखती हूँ मैं और मैं क्या ले सकती हूँ अपने 50 रुपीज़ चैलेंज को पूरा करने के लिए। ये मेरी हेल्प करेंगी गीता, वाई नॉट। हमारी नेक्स्ट फूड है ये राम लड्डू। गीता लड्डू है लेकिन मीठे नहीं है, खट्टे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है इनकी। और प्राइस क्या है इनका? इनका प्राइस है 30 रुपीज़ में, फुल प्लेट है, पीसेस, तो ये भी 50 रुपीज़ के चैलेंज के अंदर ही। ओके ओके, देखिए ये आ गए राम लड्डू, लेट्स ट्राई। राम के लड्डू है हमारे राम जी। हाउज इट? मूली की चटनी होती है, मूली के पत्तों की चटनी होती है, मुझे पता है मूली के साथ चटनी होती है। पैसे गए, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। वीडियो हम 10-10 रुपए वाली आइसक्रीम ले रहे हैं, कौन सा फ्लेवर है? पाइनएप्पल। और कौन सा फ्लेवर है अंकल? मैंगो। और कौन सा फ्लेवर है? चोकोबार। मुझे कौन खाएगा चोकोबार? आप 50 की दे दो, 20 दो। हाँ बस हो गया, बस अंकल भी वीडियो बना रहे हैं, अंकल हाय कर दो। मिल चुकी है हमें आइसक्रीम, ये ओनली 10 रुपीज़ की है, तो 50 रुपीज़ में हमारा सबका काम हो जाएगा इसमें। तो बैकग्राउंड मत देखिएगा, ये ऐसे भुक्कड़ लोग हैं, आप अपना बोलिए। तो हम लोग 5 जने हैं और 5 जनों के लिए मैं ये आइसक्रीम लाई हूँ, 5 10 वाली, कोई की कम नहीं। पानी, और कुछ कहना चाह रहे हैं आइसक्रीम का टेस्ट बताना चाह रहे हैं? आइसक्रीम खा लिया ना भाई मेरा, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय गया। येलो कलर, ओ माय गॉड, एकदम मतलब सिजलिंग सी है। और मैं खा के बताती हूँ कौन सा फ्लेवर है। पाइनएप्पल। आइसक्रीम में 10 रुपए के अंदर अच्छी है, कंपनीज की अमूल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप 50 रुपीज के अंदर वाला जो चैलेंज कर रहे हैं वो। सो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इशू है वो मैडम अपनी आइसक्रीम गिरा चुकी हैं,
और ये अभी इन्हें क्या नाम था गीता ने टेस्ट करा रही है आइसक्रीम के, लो मेरे में से खा लो थोड़ी सी। काइंड हार्टेड दोस्त है मेरे आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी आइसक्रीम अकेले खा रही हूँ, मैं शेयर नहीं कर रही क्योंकि मेरा मन मैं शेयर नहीं कर रही। आइसक्रीम के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि आपको ये फूड चैलेंज पसंद आया होगा। इतने अभी मेरे अंदर के पैसे थे कि मैं इतने खाते हैं नहीं खाए हैं, वो दिख रहा है जैसा कि हमें दिख रहा है इसके अंदर, वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। जितने ट्राई कर सकती थी मैंने उतने ट्राई कर लिए हैं। और अब मेरे दोस्तों ने भी जवाब दे रहे कि भाई अब हम नहीं खाएंगे, अपनी मतलब हम नहीं कराएंगे, खुद ही खाई हूँ फिर अकेले, और घर भी जाना लेट भी हो रहा है। तो मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो रिटर्न रिवाज कर दीजिएगा पूरे जो कि है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो कैसे लगती है तो इसी स्माइली फेस के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। तब तक के लिए दुआ में याद रखना, टेक केयर, बाय बाय। मज़ा आया।